कलेक्शन अगर कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे जो मेरे कॉटन के सूट है, जो मेरी पोशाकें हैं, ये आपको कैसी लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में जाकर पूरा देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉटन का सूट आएगा, इसके अंदर हैवी कॉटन सूट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हल्का सूट है, ये आप देख सकते हैं। और इस पर जो काम किया हुआ है, ये पूरे लहंगे के ऊपर काम है, ये आप देखोगे पूरा पौड़ी वर्क है, जो वाइट कलर का पौड़ी आता है वो है, और बिल्कुल भी उतरने वाला नहीं है ये, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ना ही तो इसकी चमक उतरती है, चाहे इसको कितना भी धो आप, बिल्कुल भी पौड़ी उतरने वाली नहीं है। कोई पौड़ी तो ऐसे होती है कि जिनको पहनने से वो पौड़ी उतरती है, पर ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये वाइट कलर की पौड़ी आएगी। अब मुझे आपको ये दूसरा बताने जा रही हूँ, ये आएगा इसकी कुर्ती का कलेक्शन। देखो आप, ये दो कलर में आएगी इसकी कुर्ती, आप देख सकते हैं मल्टी कलर है, इसमें भी आपको ये वर्क मिल रहा है, ये पूरे कुर्ती के आगे का वर्क है। और जो आप उसमें आप देख सकते हैं कि ओढ़नी, इसमें आपको लाडू वर्क भी मिल रहा है, और यही लाडू वर्क इसके अंदर भी है, ओढ़नी के अंदर भी है, बंदेज लाडू वर्क है ये, आप देख सकते हैं बंदेज का काम किया हुआ है। ये इसको आपको पल्ले पल्ले पे, चारों जो साइड के पल्ले होते हैं उस पर भी आपको यही काम मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये लाडू वर्क भी है, बंदेज का भी हो चुका है इस पर, और जो दूसरा है बीच में भी आपको ये वर्क मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा बीच में जो वर्क है, ये पूरा ये बंदेज का वर्क आएगा ये इसके अंदर, और बीच में भी आपको ये बिल्कुल भी उतरने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे उतरने वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे ये पौंडी का काम आता है। और यही आप देख सकते हैं कि इसकी बाजू, जो ये कांचली की बाजू है, कांचली की बाजू पे भी आपको ये वर्क मिल रहा है, तो पूरे सूट के ऊपर ये वर्क है। तो वीडियो को ज़रूर मुझे पूरा देख के ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरे कॉटन के सूटों का कलेक्शन आपको कैसा लगा। अब मैं आपको जो दूसरा सूट दूसरा मैंने जो कॉटन का सूट का कलेक्शन है, इसकी तो शॉपिंग मैंने ऑनलाइन से की थी, और वो सूट मैंने उसकी ऑनलाइन से नहीं की थी, वो तो मैं खुद जाके शॉप से जाकर के लेकर कर आई थी वो सूट। तो जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो गोल्डन कलर का तारी वर्क आता है वही इस पर ऊपर पूरा काम है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो लहरिया के हिसाब से ही मैंने ये सूट अभी मंगवाया था। ये आप देख सकते कि ये पूरा लहरिया ओढ़ना है इसके ऊपर, बिल्कुल तीन कलर इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, और ओढ़नी की जो ये साइड बॉर्डर आएगी, इस ओढ़नी में भी आपको ये वर्क मिलेगा, छोटे मोटे फंक्शन पे ये पहन सकते हैं इन सूट को, या और बिल्कुल वैसे नहीं है कि चुभने वाला वर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गोल्डन वर्क आएगा। और जो ये आप देख रहे हैं बीच में, ओढ़नी के बीच में भी ये वर्क है, जो मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ कि ये पल्ले पर ऐसे काम आएगा, ये ऐसे है, ये देख सकते हैं आप, तारी वर्क है और गोल्डन वर्क है ये, आप देख सकते हो, तो तीन कसीदा वर्क है ये इसके अंदर। तो ये तो हुई इसकी लुक ओढ़नी की। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, पूरा सूट खोल के बताऊँगी आपको, बहुत ही कम प्राइस में है, क्योंकि मैं जो आप पुरानी वीडियो देखोगे उसमें मैंने इनकी प्राइजें लिख रखी है, तो किसी को वैसे तो इसको बुक करवाना, तो किसी को पुरानी जाकर वीडियो देख लेना आप उसमें, तो आपको इसका कलेक्शन भी मिल जाएगा, कलर भी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ये कुर्ती है, कुर्ती के जो ये आगे की साइड में जो वर्क होता है, ये ऐसे वर्क मिलता है, और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी। और ये जो आप देख रही है, तो इसकी मंजी साथ में आएगी, और ये है इसका लहंगा, आप देख सकते लहंगे के ऊपर पूरा कलर, क्योंकि मैंने गर्मियों के हिसाब से थोड़ा लाइट कलर लिया था, तो गर्मियों में हल्के कलर ही अच्छे लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें घेर भी कितना है, घेर आएगा और पूरे पे वर्क खरीदा रही, क्योंकि मैं अधिक से ऑनलाइन से ही शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन से ही सूट मंगवाती हूँ। तो ये आप मेरा कलेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये मेरा कलेक्शन कैसा लगा सूट का। तो ये आप देख ही सकते हैं सूट का कलेक्शन, और ये जो मेरी कुर्ती का मैंने आपको बताया है ये, आगे जाके मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे से आगे मेरी नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।